लड़कों को जब कोई लड़की पसंद आती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि क्या वो लड़की सिंगल है या फिर कमिटेड है। अगर वो कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो फिर शायद मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी, मेरा दिल टूट जाएगा। इसी डर से वो पूछते नहीं है या फिर वो कहीं और से पता करने की कोशिश करते हैं। कई बार अगर आप उसे डायरेक्टली पूछ भी लेते हो तो वो सही जवाब नहीं देगी कि उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो अपने आप को सिंगल शो करना चाहती है। वो अपने राज, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। तो अब कैसे जानो कि क्या वो लड़की सिंगल है या नहीं? चार तरीके हैं जिसे आप इजीली पता कर सकते हो कि वो सिंगल है या फिर नहीं। तो नंबर वन है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप जान सकते हैं। देखो, जो लड़की सिंगल होगी ना, वो तुम्हें ज्यादा इग्नोर नहीं करेगी, वो तुमसे कम भाव खाएगी। भाव थोड़ा कम खाने के साथ साथ ही वो तुम्हें इम्पोर्टेंस भी देगी, यानी तुम्हारी बातों में वो इंटरेस्ट शो करेगी, तुम्हारे साथ हंसेगी। शर्माना भी एक इशारा होता है कि हाँ, वो तुम्हें पसंद तो करना चाहती है, पसंद करती है, या तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड है। नजरें मिलाना, नजरें चुराना, तुम्हारे पास आने की कोशिश करना, ये सारी बॉडी लैंग्वेज की साइन होती है कि वो सिंगल है और वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड है। आप जब उससे बात करते हो या फिर उसके आसपास रहते हो, तो नोटिस करो कि क्या वो अपने फोन में लगी रहती है या फिर नहीं। अगर वो ज्यादा ही अपने मोबाइल में इंगेज है, इट मीन्स ये, या फिर वो ऑनलाइन रहती है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में हो और वो इंगेज रहती हो उससे, तो ये सिग्नल होता है कि वो सिंगल है या फिर नहीं, और या फिर वो रिलेशनशिप में है। नंबर टू है, फ्रैंक और फ्रेंडली नेचर। देखिए, आपका जो नेचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपका नेचर कुछ और रहता है, सिंगल होते हो तो आपकी साइकोलॉजी, आपका नेचर कुछ और ही होता है। तो आप देखते हो कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो इजीली किसी से बात नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर उसे पता चल गया, या फिर मैं क्यों किसी और से बात करूं, ज्यादा बात करना, ज्यादा क्लोज क्यों आओ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ। तो जो कमिटेड होते हैं वो आपसे उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सिंगल होती है लड़कियाँ, वो फ्रेंडली भी होती है, वो फ्रेंड जोन में इजीली आ जाएगी, फ्रेंकली बहुत सारी बातें शेयर करेगी, बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगी। नंबर थ्री है, इजीली ट्रस्ट कर लेना। देखो, लड़कियों को ट्रस्ट इजीली इसलिए हो जाता है बहुत सारी लड़कियों, क्योंकि वो सिंगल होती है। अगर उसे पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है कि बॉयज कैसे होते हैं, रिलेशनशिप में कैसे कोई धोखा देता है या फिर कोई फ्लर्ट कैसे करता है, तो वो इतनी जल्दी तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगी। तो अगर वो ट्रस्ट कर लेती है, तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हारी बातों में आ जाती है, इट मीन्स कि हाँ, वो सिंगल है। नंबर फोर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इमोशनली अटैचमेंट दिखाना। देखो, अगर वो तुमसे इमोशनली बहुत सारी बातें शेयर करती है, अपनी सीक्रेट्स, अपने फैमिली की बात, या फिर वो तुमसे ये कहती है कि तुम्हारे साथ बात करने में मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझसे बात किया करो, कब फ्री होते हो बताओ, मैं तुम्हें कॉल किया करूंगी, अगर ये सारी चीजें वो तुमसे बता रही है, इट मीन्स कि वो सिंगल है एंड शी इज इंटरेस्ट फॉर रिलेशनशिप। तो प्लीज उससे बातें करना शुरू करो। ये सारे साइन अगर तुम्हें मिल रहे हैं, तुम उसके कांटेक्ट में आओ, थोड़े दिन क्लोजनेस बढ़ाओ, फिर उसके दिल की बात तुम्हें पता चल ही जाएगी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूं ना, मेरे वीडियोस देखा करो, और मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। आई होप सो कि आपकी भी कोई क्रश होगी या आप भी किसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम और अपना नाम जरूर लिखना। थैंक यू, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।